अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर जे, ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड की तरफ से खुश आमदीद। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। अच्छा, मैं यहाँ पर बेसिकली तुर्की में ट्रैवल किया था मैंने इधर, तो मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ी सी यहाँ की इंफॉर्मेशन दे दी जाए। नॉट सो बैड। जब आप एयरपोर्ट से सुल्तान अहमद आते हो, तो वो सुल्तान अहमद आपको उतारते हैं नियर टू सिरकीजी, जो वहाँ का एरिया है। सिरकीजी बड़ा फेमस एरिया है, ये हाफिज मुस्तफा स्वीट के पास है। मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ, हाफिज मुस्तफा स्वीट भी आएगी। तो यहाँ पे बहुत से होटल्स हैं, बहुत सी मतलब कि अच्छी जगहें हैं। यहाँ से आप कई जगह पे जा भी सकते हैं, सो इजी है। इस वो सामने हाफिज मुस्तफा देख रहे हैं आप, ठीक है, वो आपको मैंने दिखाया, सामने हाफिज मुस्तफा है। तो ये आप ज़रा निशानी याद रखिएगा। अभी स्टेशन का नाम भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेट्रो ये चलती है, ट्रेन चलती है। यहाँ पे जो कार्ड मिलता है वो कम से कम 10 लीरा का मिलता है। वो कार्ड आप स्क्रैच करते हैं, मतलब के उसमें लोड कराते जाएं और जहाँ मर्जी जाएं। अंडरग्राउंड ट्रेन से जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं और मेट्रो में जा सकते हैं। नॉट सो बैड। इवन आप बोट, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में दिखाई थी आपको, ठीक है, आप फेरी पे भी जा सकते हो, वो इसी कार्ड पे। अगर वन स्टेशन से अदर स्टेशन, जितने मर्जी स्टेशन पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और वन टाइम कार्ड पे बैठे आप जो से मर्जी स्टेशन पे उतरें। तो ये आगे जो अब दिखा रहा हूँ सारी फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन, तो कहने का मकसद ये है कि जो आप एयरपोर्ट से बस बाय बस आते हो, ठीक है, सुल्तान अहमद साथ ही थोड़ी सी आप 10 मिनट की वॉक है, आप यहाँ से सिरकीजी पहुँच जाएंगे। तो सिरकीजी में बहुत से होटल हैं, बड़े सस्ते और चीप आप होटल मिल जाते हैं फैमिलीज के लिए। आप फैमिली के साथ उतरें, यहाँ पे रहें और इसके पास ही आपको पास ही 10 मिनट के वॉक पे समंदर है, वहाँ पे बड़ी कूल ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे सस्ती, नॉट सो एक्सपेंसिव, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अंडरग्राउंड बस ट्रेन पर भी जा सकते हैं, जो वन स्टेशन से अनदर स्टेशन से, लाइक यहाँ से अंडरग्राउंड जाएंगे, जाहिर सी बात है जो ऑन द टॉप से जाएंगे उधर से नाम डिफरेंट मिलते हैं, जो अंडरग्राउंड से जाएंगे उधर से नाम स्टेशन के डिफरेंट होते हैं। तो आप यहाँ से तकसीम जा सकते हैं, यूनी कापी जा सकते हैं, एक्सराय जा सकते हैं, जहाँ पे बेशुमार आपकी खरीदो फरोख के लिए जगह हैं, अच्छी शॉपिंग करने के लिए जगह हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई जा रही है इस लिहाज से। तो दोस्तों, इस्तांबुल के वाले से आपको बताया जाता है कि इस्तांबुल में रहना, यहाँ पे घूमना फिरना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है, हर मौसम के हिसाब से ही है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप गर्मियों के अंदर ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे इतनी गर्मी तो नहीं होती, मतलब कि होती ज़रूर है लेकिन इतनी शदीद नहीं होगी, लेकिन होती ज़रूर है। समंदर के पास बैठेंगे आपको बहुत ही अच्छी ठंडी हवाएँ आती हैं वहाँ पर, तो वहीं से आप आगे फेरी पे जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। ऑलराइट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कार्स भी इधर ट्रेन की इन पटरियों पे चल के जा रही है, साथ में ट्रेन भी। इन्होंने काफ़ी अच्छा इसकी मतलब कि मैनेज की हुई है कि ट्रेन भी मतलब कि आराम से रुक जाती है, एक वे के हिसाब से चलती है। देखा है आपने, इसने हॉर्न दिया है तो वो ओल्ड पर्सन साइड से हो गया, तो ट्रेन चल पड़ी आगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो मेट्रो चल रही है, वहीं से मतलब कि क्रॉसिंग भी है ट्रैफिक की, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है इनका, यहाँ पे मेट्रो का भी, अंडरग्राउंड का भी। तो बहुत ही ईजीएस्ट आप यूज़ कर सकते हैं कार, वहाँ पे इतना घबराने की जरूरत नहीं।
कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोग यहाँ पर, यहाँ पे वैसे भी बहुत अच्छे हैं, तो ये तुर्की में सिट्टे होते हैं जो वहाँ पर चाट इलाके मिलते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं, मैंने खाने में कहा बहुत ही टेस्टी होते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या? जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया है हर चीज़ के हवाले से, और मैं इस सिरकी जी में आया हुआ हूँ, और सिरकी जी की मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, और मैं आपको फर्दर बताता हूँ इस हवाले से, और आपका यहाँ पे आना बहुत आसान कर दूँगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जैसे सिरकी जी में हूँ मैं, यहाँ पे हाफ उत्सवा के पास वो सामने सिरकी जी का ये तुर्क होटल्स है, देख सकते हैं आप पीछे बिहाइंड। ऑलराइट, ये यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ पे स्टाफ KFC एवरीथिंग यहाँ पे है। अब मैं ये पीछे जा रहा हूँ मंदिर है सामने, वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होगी। Already green, let's go. Happy worldwide national people. आए हुए हैं, ये मैं सामने ऑपोजिट समंदर के पास जा रहा हूँ।